दोस्तों, यह है स्टूडियो मास्टर कंपनी का DPA 5000 एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर डिस्टर्ब हो गया है। देखिए, हम इसको लाइन देते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम। तो हम पहले ये जो एम्पलीफायर है इसको देखिए, हम सीरीज लाइन में देंगे और चेक करेंगे। तो पहले हम इसको सीरीज लाइन में दे दिया है, अभी हम पावर स्विच ऑन करते हैं। देखिए, हमने पावर स्विच ऑन कर दिया है, लेकिन ये एम्पलीफायर एकदम सेट डेड हो गया है, कोई कुछ नहीं है। तो पहले हम ये जो पावर स्विच है, इस पावर स्विच को चेक करेंगे और इसका पीछे जो फ्यूज है, दोस्तों ये जो फ्यूज है, तो फ्यूज ठीक है कि ना, इसको हम देखेंगे। देखिए, ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को हम चेक करेंगे। तो पहले हम इसका जो इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों, हम एम्पलीफायर को खोल लिया है और वो जो पीछे का जो फ्यूज है, फ्यूज को हमने खोल लिया है। देखिए, ये फ्यूज बास्ट हो गया है। देखिए, ये फ्यूज एकदम बास्ट हो गया है, इसको हम फ्यूज खोल लिया। देखिए, ये जो फ्यूज था इसको हम खोल लिया है, फ्यूज बास्ट हो गया है। तो अभी हम एक फ्यूज लगा के टेस्ट करेंगे। हमें नया फ्यूज ले लिया है, ये 10 एम्पियर का है, तो इसको हम लगाएंगे। तो लगा के हम चेक करते हैं। हम फ्यूज लगा दिया है, अभी हम इसको सीरीज लाइन में चेक करेंगे। सीरीज लाइन में हम दे दिया है, हम पावर स्विच ऑन करते हैं। देखिए, पावर स्विच ऑन कर दिया है और सीरीज लैंप, देखिए सीरीज लैंप तेज़ी से जलता है। तो इसका मतलब ये एम्पलीफायर शॉर्ट हो गया है। तो हम चेक करेंगे दोनों चैनल, कौन सा चैनल शॉर्ट हो गया है। पावर स्विच हम बंद कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम ये जो मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट को हम मीटर से चेक करते हैं। तो मीटर को हम बाजार रेंज में हम रख देते हैं। मीटर को हम बाजार रेंज में रख दिया है। अभी ये जो चैनल वन है, इस साइड को हम मॉस्फेट को चेक करते हैं। दोस्तों, इस साइड का जो ये ऊपर पास है, ये तो मीटर से ठीक दिखाता है। अभी हम इस साइड को चेक करेंगे, इस साइड का भी मॉस्फेट हम देखेंगे। इस साइड का मॉस्फेट, ये मॉस्फेट शॉर्ट दिखाता है। ये जो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको मॉस्फेट भी बोलता है और ट्रांजिस्टर भी बोलता है। ये शॉर्ट दिखाता है। तो दोस्तों, चैनल टू है, इस साइड शॉर्ट हो गया है, इसको हम खोल लेते हैं।
को हम खोल लिया है। फिर से एक बार हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम चेक कर लेते हैं। देखा ये शॉर्ट हो गया है। अभी हम इस साइड को भी चेक कर लेते हैं दोनों साइड। इस साइड में भी शॉर्ट हो गया है। तो पहले यहाँ पर जो मॉस्फेट है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर का मॉस्फेट शॉर्ट है। तो दोस्तों अभी हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये सब रेजिस्टेंस को हम खोल लेंगे। खोल के इसको चेक करते हैं कौन सा मॉस्फेट खराब हो गया है, हम देखेंगे। सब रेजिस्टेंस को हमने खोल दिया है। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम मीटर से चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो गया है। ये जो ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो गया है। हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट दिखाता है। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर ये जो मॉस्फेट शॉर्ट है इसको हम खोल लेते हैं। सॉरी, ये जो मॉस्फेट ये शॉर्ट है। ये मॉस्फेट को हम खोल लेंगे। ये शॉर्ट हो गया है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 2SC5200। ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है।
अभी हम फिर से एक बार मीटर से चेक कर लेंगे। दोस्तों अभी शॉर्ट नहीं है, तो हम ये जो टाइस्टर खुला है इसको हम नया एक लगा लेते हैं। हम नया टाइस्टर ले लिया है 2SC5200, ये टाइस्टर हम लगाएंगे। इसका जो लेग है इसको हम काट लेंगे और लगाएंगे, ठीक है। लेग हमने काट लिया है, अभी हम इसको हीट सिंक पेस्ट लगा देते हैं। अभी हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग कर दिया है और अभी ये जो रेजिस्टेंस हमने खोला था इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे।
अभी रेजिस्टेंस को हम लगा दिया है, अभी हम फिर से एक बार मीटर में चेक करेंगे। बाजार रेंज में हम रख दिया है, अभी मीटर से चेक करते हैं। दोस्तों अभी टाइमस्टार जो लगाया है शॉर्ट नहीं है, देखिए अभी शॉर्ट नहीं है, तो इस साइड में जो शॉर्ट है उस साइड को हम फिर से चेक, इस साइड को हम चेक करते हैं। इस साइड ठीक हो गया है, अभी हम इस साइड को चेक करेंगे और फ्यूज भी चेक कर लेते हैं, फ्यूज भी ठीक है। अभी इस साइड को हम चेक करेंगे, पहले ये जो मॉस्फेट शॉर्ट हुआ है इसको हम खोल के देखेंगे। ये मीटर से देखा ये शॉर्ट हो गया है, फिर से हम चेक करते हैं। देखिए ये शॉर्ट देखा, शॉर्ट लगता है ये शॉर्ट हुआ है। ये भी शॉर्ट हुआ है, पहले हम इस दोनों को खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम चेक करेंगे। पहले ये जो मॉस्फेट है इसको हम खोल लेते हैं। एक को खोला है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये दोनों मॉस्फेट को हमने खोल लिया है, देखिए इस दोनों को हम खोल लिया है। अभी हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम मीटर से चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर भी कोई शॉर्ट हो गया है, तो पहले ये दोनों जो खोला है इसको हम, ये जो दोनों मॉस्फेट हमने खोला है इसको हम चेक करते हैं। देखिए ये दोनों को हम चेक करेंगे, शॉर्ट हो गया है, ये दोनों भी शॉर्ट हो गया है। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको भी हम चेक करेंगे। पहले जो रेजिस्टेंस है इसको हम खोलेंगे, खोल के जो ट्रांजिस्टर है इसको हम चेक करेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है।
सब रेजिस्टेंस को हमने खोल दिया है, देखिए इसको सब खोल दिया है। अभी इस साइड का जो ट्रांजिस्टर है उसको हम चेक करेंगे। हम इसको घुमा देते हैं। अभी हम मीटर से चेक करते हैं इसको। बाजार रेंज में रख दिया है। देखिए ये जो टाइमस्टर है ये शॉर्ट दिखाता है, देखिए ये शॉर्ट हो गया है। तो इसको हम खोल लेते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो गया है। ये शॉर्ट हो गया है। ये शॉर्ट हो गया है। अभी फिर से हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए अभी शॉर्ट नहीं है। अभी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों इस साइड का देखिए एक ट्रांजिस्टर और ये जो दो मॉस्फेट खराब हुआ है, देखिए इसको हम चेंज करेंगे। एक ट्रांजिस्टर खराब हुआ है, शॉर्ट हो गया है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 2SA1943, 2SA1943। पहले हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको लगा लेंगे, उसके बाद ये जो दोनों मॉस्फेट खराब हुआ है इसको हम लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको लगा लेते हैं। ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। अभी यहाँ पर जो मॉस्फेट है, जो दोनों मॉस्फेट खराब हुआ है इसको हम लगाएंगे। इस मॉस्फेट का नंबर है SSH70N10A। इस मॉस्फेट का नंबर है, तो हम इसको नया लेंगे और लगाएंगे। तो दोनों ही मॉस्फेट हम नया ले लिया है, 70N10A।
हम इसको लगाएंगे। ये मॉस्फेट हम लगा लेते हैं। दोनों मॉस्फेट को हमने सेट कर लिया है, अभी इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग कर दिया है। ट्रांजिस्टर और ये दोनों मॉस्फेट हमने लगा दिया है। अभी ये जो रेजिस्टेंस हमने खोला है इसको लगाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस हमने खोला था इसको हम लगा लेंगे। सभी रेजिस्टेंस को हम लगा लेते हैं। जो रेजिस्टेंस हमने खोला था वो भी लगा दिया है। अभी हम इस साइड को चेक करेंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट नहीं है। इस साइड भी पहले देख लिया है, ये साइड भी ठीक है। अभी हम जो कनेक्शन हमने खोला इसको लगा लेते हैं और इसको हम चेक करेंगे। तो हम अभी इसका जो कनेक्शन खोला था इसको लगा लेते हैं। दो ट्रांजिस्टर देखिए, ये जो दो ट्रांजिस्टर ये खराब हुआ था और ये दोनों मॉस्फेट खराब हुआ था। हम इसको लगा दिया है और इसको सेट भी कर लिया है और जो वायर हमने खोला था उसको भी लगा दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे, सीरीज लाइन में इसको चेक करेंगे। इसको हमने फिटिंग्स कर लिया है। इसको
इसको हम चेक करेंगे। कुछ सीरीज लाइन में हम देंगे, सीरीज लाइन में दे दिया है। सीरीज लाइन में दे दिया है, अभी हम पावर ऑन करते हैं। देखिए हम पावर ऑन कर दिया है। देखिए सीरीज लैंप नॉर्मल हो गया है और एम्पलीफायर भी चालू हो गया है। एम्पलीफायर भी चालू हो गया है। अभी हम इसका जो वोल्टेज सप्लाई है इसको हम चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करेंगे मीटर को। हम डीसी 200 रेंज में रख दिया है और जो माइनस पॉड है इसको हम माइनस पॉड को हम माइनस कॉमन में लगा दिया है। अभी हम जो वोल्टेज इसका चेक करेंगे, पहले जो चैनल 2 का वोल्टेज को हम देखेंगे 38.9, कलेक्टर वोल्टेज 0 है और इमीटर बेस देखिए 39 वोल्टेज है। अभी इस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं 38.7, 38.76 और कलेक्टर वोल्ट 0 है। तो दोस्तों सप्लाई ठीक है। अभी हम इसको गाना चला के टेस्ट करेंगे। बॉक्स का कनेक्शन हमने कर दिया है, अभी हम इसको चेक करेंगे। पावर स्विच ऑन करते हैं। पावर स्विच ऑन कर दिया है। देखिए एम्पलीफायर चालू हो गया है। अभी हम गाना चलाएंगे। पहले चैनल 2 खराब हुआ था, हम 2 को ठीक किया है और चैनल 1 पहले से ठीक था। तो पहले अभी हम ये चैनल 2 को हम साउंड चेक कर लेते हैं। 2 को चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया है। अभी हम चैनल 2 को देखिए ठीक है। चैनल 1 को हम चेक करेंगे। तो एम्पलीफायर ठीक हो गया है। दोनों को देखिए, दोनों चैनल सही लेवल है, ठीक हो गया है। बंद कर देते हैं।